नागपुर के फुटबॉल खिलाड़ी के व्यक्तिमत्व पर बनी झुंड मूवी, जिसका शूट भी नागपुर में ही हुआ। झुंड इस नाम से हर नागपुरकर परिचित है। अब यही फिल्म विवादों में घिरी हुई है। जी हाँ, अब यह सवाल निर्माण हो रहा है कि फिल्म झुंड फुटबॉल खिलाड़ी अखिलेश पॉल पर बनी है या विजय बारसे पर। बुधवार को पत्र परिषद के दौरान अखिलेश पॉल ने झुंड मूवी से जुड़ी जानकारी साझा की है। फुटबॉल खिलाड़ी अखिलेश पॉल द्वारा बुधवार को पत्र परिषद का आयोजन कर झुंड मूवी से जुड़ी जानकारी साझा की गई, जिसमें अखिलेश बोले, मैं झोपड़पट्टी में पला बड़ा कम शिक्षित व्यक्ति हूँ। झोपड़पट्टी में व्याप्त सामाजिक बुराई का मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को किस तरह परजीवी की नज़र से देखा जाता है और उनका शोषण किस तरह किया जाता है आपको ज्ञात है। फिर भी कभी कभी इन झोपड़पट्टियों में से ऐसे लोग निर्माण होते हैं जो देश निर्माण में अपना योगदान देते हैं। मुझे बचपन से ही फुटबॉल खेल में रुचि रही। इस फुटबॉल ने मेरी जिंदगी को बदलने का मौका मुझे प्रदान किया और मैं ब्राजील में होमलेस फुटबॉल विश्व कप खेलने गया। ब्राजील की मीडिया ने मेरी कहानी में रुचि दिखाई और उस विश्व कप ने मुझे ख्याति प्रदान की। मैं भारत की टीम का कप्तान था। ब्राजील से लौटने पर मैं अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हुआ। तब मुझे सत्यमेव जयते इस कार्यक्रम में बुलाया गया, जिसमें आमिर खान ने मेरे ऊपर सीजन 3 के प्रथम एपिसोड में मेरी कहानी से प्रेरित होकर सत्यमेव जयते में खेल किस तरह से जिंदगी बदल सकता है उन लोगों की जो झोपड़पट्टी जैसे गंदे माहौल में रहते हैं। असुविधा, गुनाहगारी, शराब, जुआ, नशा, झगड़ा, फसाद, अपराध जैसे सामाजिक बुराई में अपने बचपन से रहते हैं, लेकिन खेल किस तरह जीवन बदल सकता है इसके लिए प्रेरक एपिसोड टेलीकास्ट किया। इस कहानी से प्रभावित होकर नंदी चिन्नी कुमार, जो उस समय फिल्म मेकिंग में PhD कर रहे थे, उन्होंने मुझे संपर्क कर कहा कि मैं आपकी कहानी पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ अपनी PhD प्रबंध के लिए, इसीलिए मैं आपसे एग्रीमेंट करना चाहता हूँ। मैंने इस बात को स्वीकार कर उनसे डॉक्यूमेंट्री के लिए 19 नवंबर 2017 को एग्रीमेंट किया। उसके बाद नंदी चिन्नी कुमार ने कुछ तकनीकी वजह से पुनः संशोधित एग्रीमेंट मुझसे दिनांक 19 मार्च 2018 को करवाया, ताकि उनकी PhD प्रबंध स्वीकार हो सके। नागपुर में झुंड सिनेमा की शूटिंग शुरू हुई। तब मुझे पता चला कि सत्यमेव जयते के मेरे एपिसोड से प्रभावित होकर नागराज मंजुरे भी सिनेमा बना रहे हैं। तब मैं विजय बारसे से मिलने उनके निवास पर गया। उन्होंने कहा कि सिनेमा मुझ पर बन रहा है, तुम पर नहीं। फिर अचानक एक दिन नागराज मंजुले मेरे घर पर आए और कहा कि फिल्म के बारे में बात करनी है और एग्रीमेंट बनाना है। नागराज मंजुले जो स्वयं गरीबी और पिछड़े तबके से आते हैं, उनकी तरक्की से मैं प्रभावित और वे मुझे मेरे जैसे लगे और फुटबॉल जैसे खेल से युवा और बच्चों को कुछ प्रेरणा मिले, इस उद्देश्य से सिनेमा बना रहे हैं। तो मैं उन्हें मना नहीं कर सका और केवल झोपड़पट्टी के बच्चे, युवाओं और देश को प्रेरणा मिल सके, ताकि लोगों की खेलों में रुचि बढ़े और मेरे जैसे एक अकिंचन का सहभाग देश सेवा में लगे, इस उद्देश्य से मैं राजी हुआ। पिक्चर जो बन रही है 3 सालों से, आप सभी लोगों को ये समझ में आ रहा है, जितना आपने सुना है, जितना आप लोगों ने पढ़ा है, तो ये हमको यही समझ में आता है कि विजय बारसे पे है। लेकिन अगर ये विजय बारसे पे है तो अखिलेश पॉल कहाँ गया, या अखिलेश पॉल का क्या था इसमें? अगर अखिलेश पॉल 2014 में सत्यमेव जयते में नहीं जाता आमिर खान सर शो के, तो शायद विजय बारसे सर के इधर कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं जाता और सैराट के डायरेक्टर मिस्टर नागराज मंजुले उनको कभी अटेंड नहीं करते और ये एक डिसीजन नहीं निकलता कि इनके ऊपर पिक्चर बनाई जाए। तो अखिलेश पॉल का तो दूर दूर तक कहीं नाम नहीं आया, कहीं कुछ नहीं हुआ, और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जो आप में वो जो प्रेस रिपोर्ट है उसमें दिया गया है क्या क्या घटना घटी है मेरे साथ, है ना। तो ये सारी घटना मेरे साथ बहुत घटी और इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ हुआ है जो मैं नहीं बता पाया और नहीं, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे समझाऊँ। सिर्फ एक ही चीज़ हुई है कि अखिलेश पॉल पढ़ा लिखा नहीं था, झुपड़पट्टी का था, इस वजह से उसका शोषण हुआ। नागराज और गार्गी कुलकर्णी ने मुझे एक एग्रीमेंट करवाया। विशेष तौर पर अखिलेश पॉल बोले, मुझे अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना नहीं आता, इसीलिए नंदी चिन्नी द्वारा, नागराज और गार्गी कुलकर्णी द्वारा किए गए एग्रीमेंट में क्या लिखा है मैं समझ नहीं पाया, मुझे केवल सही करने को कहा गया। उसके बाद नंदी चिन्नी कुमार ने मुझे और विजय बारसे, नागराज, टी सीरीज इत्यादि को कानूनी नोटिस दिया। मैंने उसका उत्तर भी दिया। बाद में नंदी चिन्नी ने मान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रंगारेड्डी जिला तेलंगाना में केस दर्ज किया,
झूठ पिक्चर को प्रदर्शित करने के लिए मनाई की जाए ऐसी प्रार्थना की। न्यायालय ने 17 सितंबर 2020 को झूठ सिनेमा किसी भी तरीके से प्रदर्शित करने पर रोक लगा दी, जिसे प्रभावित होकर नागराज मंजुए और शिव चिन्ना उपाध्यक्ष टी सीरीज ने अपील दाखिल की, जिसका नंबर सिविल मिस अपील उच्च न्यायालय तेलंगाना में दाखिल है। अब झूठ मूवी विवादों के घेरे में आ चुकी है और ये मूवी विजय बारसे पर बन रही है, आप फुटबॉल खिलाड़ी अखिलेश पॉल पर यह भी सवाल निर्माण हो रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, BCN न्यूज़ नागपुर।